आईपीएल 2022 के लिए यहाँ पे कितने खिलाड़ी होने वाले हैं रिटेन, तो गाइस यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गाइस हम लोग जिस लिस्ट के बारे में बात करेंगे वो लिस्ट गाइस यहाँ पे 100% कंफर्म है एंड गाइस यहाँ पे ज्यादातर गाइस यहाँ पे कंफर्म माना जा रहा है कि इन खिलाड़ियों को टीमें रिटेन करने वाली है। तो गाइस उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गाइस सभी टीम के बारे में। सबसे पहली टीम निकल कर आ रही है, सबसे पहली टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सबसे पहले अपने रिटेन प्लेयर की लिस्ट को गाइस उन्होंने अनाउंस किया है एंड गाइस उनका जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से 100% कंफर्म है। तो बात कर लेते गाइस सभी दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स के गाइस पे चार खिलाड़ी होने वाले रिटेन, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ एंड गाइस पे एंड्रिक नॉर्खिया एंड उसके बाद अक्षर पटेल। तो इन चार खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो अब बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। दूसरी टीम निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम। चेन्नई सुपर किंग की टीम भी गाइस पे चार खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे MS धोनी, दूसरे नंबर पे ऋतुराज गायकवाड, फाफ डुप्लेसी एंड उसके बाद चार नंबर पे रविंद्र जडेजा। तो गाइस इन चार खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है चेन्नई सुपर किंग की टीम। अब बात करते हैं तीसरी टीम के बारे में। तीसरी टीम निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी गाइस यहां पे तीन खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है, जिसमें से नाम निकल कर आ रहे हैं यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसंग एंड गाइस यहां पे जॉस बटलर। तो गाइस इन तीन खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है राजस्थान रॉयल्स की टीम। अब बात करते हैं चौथी टीम के बारे में। चौथी टीम निकल कर आ रही है किंग्स पंजाब की टीम। जी हाँ, पंजाब किंग्स की टीम का इस यहाँ पे तीन खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, जिसमें से का इस यहाँ पे अर्शदीप का नाम निकल कर आ रहा है या फिर गाइस एंड रवि बिश्नोई का नाम निकल कर आ रहा है। ये दो खिलाड़ी या फिर तीन खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। एक खिलाड़ी को नहीं भी रिटेन कर सकती है, क्योंकि ये अगर हम लोग बात करें, क्योंकि केएल राहुल टीम से बाहर हो चुके हैं एंड अगर जो फर्स्ट खिलाड़ी को रिटेन करेगा उनको 16 करोड़ देने पड़ेंगे। रवि बिश्नोई की बात करें, मयंक अग्रवाल की बात करें, अक्षरदीप सिंह की बात करें, तो गाइस एक कोई भी खिलाड़ी 16 करोड़ डिजर्व नहीं करते। इसी वजह से गाइस यहाँ पे इन खिलाड़ी को शायद यहाँ पे रिटेन नहीं भी कर सकती है पंजाब किंग्स की टीम। पर जो रिपोर्ट से कि ये खिलाड़ी को रिटेन करेंगे एक दो, लेकिन अभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसी वजह से पंजाब किंग्स के बारे में मैं यहाँ पे कोई गारंटी कन्फर्म नहीं बोल सकता। अब बात करते हैं पांचवी टीम के बारे में। पांचवी टीम निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम तीन खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है, जिसमें से नाम निकल कर आ रहे हैं आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर एंड गाइस सातवें नाम निकल कर आ रहा है सुनील नारिन। तो गाइस सभी इन तीन खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। अब बात करते हैं आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की टीम चार खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है, जिसमें से नाम निकल कर आ रहे हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कैरन पोलार्ड एंड गाइस सभी सात में नाम निकल कर आ रहा है ईशान किशन का। तो इन चार खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम। अब बात करते हैं छठी टीम के बारे में। छठी टीम जो निकल कर आ रही है उनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का इस पे दो खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, जो दो पिक होने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की, उसमें से गाइस नाम निकल कर आ रहा है विराट कोहली एंड ग्लेन मैक्सवेल। तो इन दो खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है RCB की टीम। अब बात करते हैं सातवीं टीम के बारे में। सातवीं टीम निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो गाइस यहां पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी गाइस यहां पे दो खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है, जिसमें से नाम निकल कर आ रहा है केन विलियमसन एंड गाइस यहां पे साथ में राशिद खान का। तो गाइस यहां पे दो खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो गाइस आईपीएल 2022 के लिए गाइस यहां पे एक खिलाड़ी होने वाले रिटेन। तो गाइस ऑक्शन से पहले एक खिलाड़ी आप सभी को रिटेन होते हुए नजर आने वाले टीमों की तरफ से। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।